नमस्कार, सन सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के महलगांव पंचायत के करहरा गांव सहित आसपास के वार्डों के लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर ग्रामीणों ने डीडीसी एवं जोकीहाट प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन भी सौंपा है। स्थानीय निवासी बिल्किस खातून, नाजरीन खातून, बबीता देवी, सुलोचना देवी, रंभा देवी आदि ने बताया कि पूर्व के मुखिया के समय उनका नाम आवास योजना की सूची में था, जबकि वर्तमान में हमारा नाम मुखिया द्वारा हटा दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? करहरा मस्जिद चौक पर आक्रोशित लोगों ने मुखिया का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं वार्ड सदस्य नाजिम अनवर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास सूची में 1097 लोगों का नाम था, जो कि अब 437 रह गया है। बाकी लोगों का नाम वर्तमान मुखिया द्वारा हटा दिया गया। वहीं वार्ड सदस्य रंजीत कुमार विश्वास ने बताया कि इस इलाके से उन्हें वोट नहीं मिला था, इसलिए जानबूझकर इधर के लोगों का नाम सूची से हटा दिया गया है। वहीं इस बाबत जब हमने डीडीसी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा उन्हें दी गई थी, जिसे जांच के लिए बीडीओ को सौंप दिया गया है। वहीं जोकीहाट प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने मुखिया संजय कुमार से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं गाड़ी पर हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। इसके बाद उन्हें फोन किए जाने पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, इसलिए उनका पक्ष सामने नहीं आ सका। नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप सब देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग यहां पर जमा हैं, आप देख सकते हैं, सारे बीपीएल धारी हैं। मैं भी खड़ा हूं महलगांव पंचायत के करहरा गांव वार्ड नंबर 13, 12 और 11। यहां ये तीन वार्ड के अभी लोग इकट्ठा हुए हैं, यहां पर सभी लोग आए हुए हैं। इनकी नाराज़गी यहाँ के मुखिया जो हैं उनसे इसकी नाराज़गी, इन सब की नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि यहाँ का जो मेंबर है, वार्ड मेंबर जितने भी हैं, 13 वार्ड है इस पंचायत में, 13 वार्ड के मेंबर आए हुए हैं। इनका आरोप ये है कि 1097 लोगों का इंदिरा आवास सूची में नाम था, जो इन 5 साल में मिलना था लोगों को। लेकिन यहाँ के मेंबरों का कहना है और ग्रामीणों का कहना ये है कि 1097 में से 437 लोगों को ही इंदिरा आवास सूची में रखा गया है, बाकी लोगों को चुनावी रंजिश को लेकर के हटा दिया गया है नाम। क्योंकि इनका कहना ये है कि हम लोगों ने उनको वोट नहीं किया, इसलिए हमारे जितने भी नाम थे मुखिया के द्वारा कहा गया ब्लॉक में कि इन लोगों को पूर्व में इंदिरा आवास मिल चुका है। लेकिन हम यही सर्वे करने आए हैं, क्या ये सही है? अगर सही है तो ये इन लोगों का नाम सूची से क्यों गायब हुआ? इनसे जानते हैं कि सूची से जो नाम गायब हुआ, जो इनके बारे में कहा गया है पूर्व में नाम इनका, पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे इंदिरा आवास कहते हैं, इंदिरा आवास इनको मिल चुका है। तो हम इनसे जानते हैं, बीपीएल धारी हैं। क्या नाम है आपका? नबीदा। थोड़ा नीचे कर लीजिए, नबीदा नाम है। नबीदा, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको इंदिरा आवास बोलते हैं उस सूची में नाम था आपका? हाँ, नाम था। कि अब नाम हटा दिया है? हाँ, नाम हटा दिया बेटा जी, नाम हटा दिया। क्या नाम? नबीदा जी। आप ही के नाम से था? हाँ, हमरे नामक से। बीपीएल धारी है? हाँ, बीपीएल धारी सिंह की। अच्छा। हाँ, हमरा जगह जमीन नहीं छै बेटा, हमे गरीब छी। सोन इंदिरा आवास हमर कहने काटी दिला, समझे? हाँ। कहने काटी दिला। आपका भी प्रधानमंत्री सूची में नाम था आवास में? था। देखो तो क्या हुआ, घोटाला नाम एलो था, वो काट दिया। कौन काटा? संजय्या मुखिया। अच्छा, क्या बोल के काटा? क्या बोल के कि हम लोग वोट नहीं दिए उसको। हाँ। वोट दिए और बोलता है कि नहीं दिए। अच्छा। इसीलिए नाम काट दिया। क्या आपका भी नाम है? जी, मेरा भी नाम है संजय मुखिया, नाम हटा दिया है। मेरा सूची में नाम आया हुआ था, सूरी में पूरा फंड में। हाँ। लेकिन अब जो है ये हटा दिया, मतलब करारा गांव का कोई है नहीं। हाँ। 3 वार्ड का नंबर में बिल्कुल भी नहीं आई है। हाँ, क्या बोल के हटाया गया? हटा दिया गया तो हम लोग, मतलब हम लोग को वोट नहीं दिए हो। अच्छा। वार्ड से नहीं वोट मिला? मेरा वार्ड से वोट नहीं मिला, 13 वार्ड से, 12 वार्ड से, 11 वार्ड से। आप कौन वार्ड के हैं? हम 12 वार्ड, 13 वार्ड के हैं। क्या नाम बताया आप? नाजरीन। सूची में आपका नाम है? जी, पहले नंबर में मेरा नाम था। आपका भी नाम था? जी, सूची में आया था, लेकिन जो है संजय मुखिया की वजह से सबके नाम काट दिया है। हाँ, क्यों काटा गया? क्या काट दिया है कि 13 मुखिया, ये 13 वार्ड से एक भी वोट नहीं मिला है, ये बोल के काट दिया। जी, हमारा भी नाम था। हमको एक रोज मानगा हाट पर मुलाकात हुआ, हम कहे कि मुखिया जी हमारा नाम है, बोला कि नहीं, करहरा गांव का किसी का नाम नहीं है। रोड नहीं छी, पुल नहीं छी, कुछ नहीं छी बस्ती में। हाँ। झोला लग जो कि हर जन भूख लग भूखलो रही बाल बच्चा की कन भोट दिल। क्या नाम है आपका? रजिया। कौन से वार्ड से हैं आप? 13 वार्ड का। अलो, इंदिरा आवास काटे दिल के साथ, हमारे घर पिटम गिरी। हाँ।
वो मुखिया के रूप हरम खोर चली सब एकदम छोटी दिल की। आपका क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोगों का सूची में नाम आया हुआ था, मतलब जो है कि ये हटा दिया, मतलब जो है कि नहीं हमारा कहड़ा गांव से वोट नहीं मिला हमको, एक भी हम जो है कि इंदिरा आवास नहीं देंगे गाँव कहड़ा में। 11 वार्ड 12 वार्ड 13 वार्ड जितने भी मतलब जो है कि सूची में नाम था सबको हटा दिया। हाँ, इसी दुश्मनी से मतलब कुछ बोरेल से भी मालगांव से जितना भी उसका पार्टी पक्ष वाला आदमी था उसको दिया, जिसका उसका पार्टी पक्ष में नहीं था उसको नहीं दिया। अच्छा। कहड़ा गांव से मतलब आने से भी उस पर इनकार करता है कि हम कहड़ा गांव पैर नहीं देते हैं। आया भी नहीं है। अब तक आया भी नहीं है, इतना दिन हो गया वोट गिरने से अभी तक वो नहीं आया कहड़ा गाँव। मोहम्मद दाऊद 11 वार्ड का नहीं, हम कुछ नहीं है। आप लोगों का नाम था क्या सूची में? हाँ, नाम था मेरा सूची में, नाम था मेरा नाम है अनवर। पत्नी का नाम था कि आपका था? पत्नी का नाम था। अच्छा। हाँ, पत्नी का नाम था और वह सूची में नाम आया हुआ था। हाँ। और ये कराड़ा गांव का तीनों वार्ड का इंदिरा आवास छांट दिया है। हाँ। और कह रहा है कि हमको कराड़ा गांव में वोट नहीं मिल रहा है, वोट नहीं दिया इसीलिए। हाँ, नहीं दिया। आपका नाम था? हाँ, हमारा पत्नी का नाम था नुरसबा का, और आया हुआ था वो नाम काट दिया है। क्या हाँ। बोल के काटा? अब क्या बोल के काटा कि मतलब हमको वोट नहीं दिया है इस वजह से काटा। ये तो 11, 12, 13 वार्ड का तो सबका ही नाम काट दिया है। पंचायत में डिटेल में थोड़ा बताइए कि हुआ क्या, इतने लोग क्यों परेशान हैं? पिछले 5 साल से जो दिनेश मुखिया था वो सर्वे करके इंदिरा आवास प्लस आया था, जो वो प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव में 1097 आदमी का नाम आया। उसमें जब ये अपना पदभार संभाले संजय मुखिया तो चुपचाप आम सभा लगा के, ना कि यहाँ कोई मेंबर को पता है जो से होता है ना, आम सभा है तो मेंबर को बुलाना है, वहाँ का पब्लिक को बुलाना है। आम सभा लगा के उसमें पारित करके वो सिर्फ महलगों का आदमी को लेके भेज दिया ब्लॉक। और इसमें ब्लॉक का भी जलसाजिश है और वीडियो का भी हाथ है, इसमें DTC का भी हाथ है, और वह सुपरवाइज़र जो है वो सबसे बड़ा खतरनाक है, वही गोपाल जो है सबसे बड़ा खतरनाक है वो। इस वजह से हम लोग अभी सिर्फ मीडिया आया है, हम लोग ब्लॉक का भी घेराव करेंगे, जिला का भी घेराव करेंगे, हो सके तो हम नीतीश कुमार तक जा सकते हैं। ये लोग काफ़ी परेशान हैं और जिसके वजह से कि बहुत ऐसे आदमी हैं, आइए हम हाथ पकड़ के बता देते हैं कि इसके पास ज़मीन वही है इतना के बसने के लायक है, और उसके नाम से इंदिरा आवास आया था जिसको संजय मुखिया काट के हटा दिया, चाहे जिस तरह भी हटा दिया, चाहे ब्लॉक वाले हटाए या खुद हटाए वो तो जानकारी नहीं है हमको, लेकिन सूची जो दोबारा देखे हम तो उसमें ये देखे कि नहीं उसका नाम नहीं है। तो इतना जो करहरा में जो वोटर है ये संजय मुखिया का वोट नहीं हुआ यहाँ, जिसके चलते इसको को हटा दिया यहाँ से। इंदिरा आवास है लोची सब नाम काटी काटी गए, वो कहाँ की कल की नहीं कल की दुश्मनी छी बोरेल बला से, वोट नहीं मिली बोरेल बला का। हाँ। बोरेलो से वोट नहीं दिल की, मतलब पैसा लेगा वोट दिल की बोरेल बला का नहीं देखी। हम लाया या कि रंजीत मेंबर और दिनेश मुखिया इंदिरा आवास दिलाया था जनता को, तो वो इंदिरा आवास को ये संजय मुखिया ने सबका नाम उड़ा दिया, सभी का नाम उड़ा दिया। हाँ, दुश्मनी है बोरेल गाँव से 10 वार्ड से। हाँ, 10 वार्ड से उसको दुश्मनी है। अच्छा। किसी का नाम नहीं रखेंगे, सब तो इंदिरा आवास को कटा दिया। आपका नाम क्या? हमारा नाम रामभा देवी। कौन से वार्ड से हैं आप? 10 वार्ड में। आपका भी नाम प्रधानमंत्री? हाँ, हाँ। हटा दिया गया? हटा दिया। क्यों, आपको पता चला क्यों हटा? पता दिया चला कि वोट नहीं दिया बोरेल वाला, इसलिए हटा दिया दुश्मनी से कि नहीं देंगे बोरेल में इंदिरा आवास किसी को। क्या नाम है? भविता देवी। कितने में घर है? 10। नहीं बेटा है, नहीं कोई सहारा है, नहीं बेटा पर घर है। वो कौन दुश्मनी से संजय मुखिया ये इंदिरा आवास को काट दिया है? क्या लेकर करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे घूरेंगे बस्ती में? क्या दुश्मनी था वो सारा इंदिरा आवास को काट करके हटा दिया? उसको बाप का बहुत इंदिरा आवास था, काट दिया इंदिरा आवास को। चलिए देखिए कि बेटा में क्या है, दूसरे के घर में भरा पर रहते हैं, हमको कोई सारा नहीं है। पहले दिनेश मुखिया जो है इंदिरा आवास हम लोगों का 10 1000 से ज़्यादा मतलब ये पास किया था, उसमें जो है ये संजय जो बीच में आया ये सभी का इंदिरा आवास जो है उड़ा दिया। तो इसमें हम लोग कहने के लिए भी गए तो वो बोला कि हमें कोई
आदमी का डर नहीं है न किसी से हम डरते हैं, और जो होगा मैं देख लूँगा। इसीलिए मैं बोरेल वाले से टेंशन है, मैं बोरेल वाले को नहीं दूंगा इंदिरा आवास, ये बोल रहा है। तो हम लोग इसीलिए ये सरकार से ये कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई जो है बहुत जल्द करें और अच्छा से करें, और जो सजा हो वो दिलावे। क्या नाम है? मेरा नाम विश्वनाथ विश्वास जी। क्या समस्या है लोगों को यहाँ? समस्या ये है, दिनेश मुखिया जो इंदिरा आवास जितना लाया था, जितना काम मेरा बेटा रंजीत किया वार्ड में, घर घर इंदिरा आवास में सूची दिया, और यहाँ का कुछ जनप्रतिनिधि जो लोग इलेक्शन हारा मेंबरशिप में, वो लोग लग के संजय के साथ देकर नाम को उड़वाया है यहाँ का बोलेर का आदमी। अब क्या मांग? मांग ये है कि गरीब का इंदिरा आवास होना चाहिए और सरकार दे, जनता उस पर खुश रहेगा। जनता का झोपड़ी देख लीजिए बोलेर में कैसा है, ये हटाया जो उस पर सख्त कानून कार्रवाई किया जाए, चाहे कोई भी इंसान रहे, कोई भी नेता रहे बोलेर का, उसको छोड़ा नहीं जाए। वार्ड सदस्य हम बोल रहे हैं। कौन से वार्ड से? वगैरह वार्ड से। 11 जी। क्या नाम है? सरफराज जी। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि 1097 जो सूची था इंदिरा आवास का, इसमें हम लोग पहले देखे थे, इसके बाद जियो टेकिंग भी करके गया था यहाँ से, इस पिछले महीने मिलने वाला था, उसके बाद आम सभा मुखिया पंचायत में लगाया था, हम लोग को बुलाया नहीं, फिर भी कह रहा है मुखिया कि हम बुलाए हैं वहाँ पे वार्ड, हाँ फर्जी करके वो अपना काम कर लिया। इतने लोगों का नाम जो काटा गया है, क्या बोल के काटा गया? आप लोगों को तो पता होगा जी, मुखिया बताया। हाँ मुखिया ये बोला है सर कि इन लोगों को पूर्व में मिल चुका है, पूर्व में मिल चुका जी। अच्छा, किसी को यहाँ नहीं मिला है सर, हम देख रहे हैं कि नहीं मिला। मुखिया से बात हुई तो उन्होंने कहा पूर्व में मिल चुका जी जी, ये कटवाया। हाँ इसलिए कटवाए हैं, अभी तक इंदिरा आवास किसी को नहीं मिला है जी। और उसके बाद योजना भी लिख के दिए थे, नाला जल मनरेगा वाला भी योजना जो भी लिख के भी दिए थे जी, योजना भी लिख के जो दिए थे सर, वो भी नेट पे नहीं चढ़ाया है, कहता कि कोई चीज़ हम नहीं चढ़ाएंगे, हम वार्ड में काम करेंगे ही नहीं, मेम्बर इस वार्ड में काम नहीं होगा, किसी वार्ड में नहीं, 11, 12, 13 में वार्ड में काम नहीं करेंगे हम। वार्ड सदस्य 12 जी, क्या समस्या हो गई यहाँ लोगों को, क्यों परेशान कर रहे हैं? समस्या यह है कि हम लोग इलेक्शन से पूर्व जो हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके पूर्व जो है जो जियो टेक हुआ था इन लोगों का, तो मिलने वाला था इंदिरा आवास, मगर इलेक्शन के कारण जो रुक गया, बोला इलेक्शन के बाद होगा, बहुत खुशी था उन लोगों को। उसके बाद हम लोग इलेक्शन के बाद जो सूची देख सही था, उसके बाद जो है संजय मुखिया जीतने के बाद नया सूची निकला, नहीं दिया हम लोगों को, बहुत कोशिश की गई सूची के लिए, बार बार परेशान किया, नहीं दिया। ये ब्लॉक दौरे हम लोग विधायक जी के पास गए, वो सूची दिलाया, उसमें देखे तो 560 आदमी का नाम खत्म हटा दिया गया। तो BDO साहब को पूछे हम लोग क्यों हटा दिया गया, कि नहीं आम सभा करके इसको हटाया है, पूर्व में इसको मिल चुका है। आम सभा में पारित हुआ, आप जाँच कीजिए इसका। और जिन लोगों को हटाया गया है वो BPL परिवार से हैं, और सैलाब में उसके घर में पानी जाता है, इसका जो है सर्वे करके जो है मुखिया सब वार्ड सदस्य को दिलाया था, इसका जांच होना चाहिए, और जो ये काम किया है सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेंबर हैं जी, कुरसेल पंचायत से वार्ड नंबर 10 प्लस उप मुखिया भी हैं। ये जो समस्या हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जी, 1097 में से 437 आदमी को ही दिया जा रहा, बाकी लोगों का नाम गायब क्यों हुआ ये बता? जी 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 बता रहे हैं जी, ये 1057 आदमी का नाम आवास इंदिरा आवास में नहीं था, आवास प्लस में जी सर, 97 आवास प्लस में इन लोगों का नाम जोड़ा गया था, उस टाइम मुखिया दिनेश थे, उसके बाद उनका जो सर्वे वगैरह हुआ सारा चीज में एक टीम गाँव का सहयोगी में मैं खुद था, पिछला चरण भी था, अब के बार भी है, दोनों सूची भी मेरे पास अभी उपलब्ध है। तो एक तरफ से जाति पात में काम किया, जितनी मुस्लिम आवास में नाम था मुस्लिम का, सबका नाम हटा दिया, और इसके आवेदन हम लोग सुपरवाइजर को भी दिए, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, BDO साहब को भी दिए, अब तक उसका कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ, DDC को भी दिए हैं, अब तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इन लोग कितना टका खा करके बैठ गया है कि एक मुखिया नचा रहा है सबको। कब आवेदन दिए थे आप? जी आवेदन 25 तारीख को, 25 अप्रैल जी ठीक। और आज का डेट में देखिए सर, कहना है मुखिया जी का कि उन लोगों को आवास मिल गया है, तो वो हमको प्रूफ दे,
वो हमको प्रूफ दे किसको मिला है अभी से 2000 जब तक उसका सूची उनके अंडर में है वो हमको प्रूफ देगी एक भी व्यक्ति को मिला है तो। मैं नाजिम अनवर वार्ड नंबर 13 वार्ड सदस्य हूँ जी। क्या समस्या है यहाँ लोगों को, आप लोग परेशान क्यों कर रखे हैं? परेशान यहाँ वार्ड नंबर 13, 11 और 12 ये तीनों वार्ड में अभी तक कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिला है। इसमें 1097 जो आवास प्लस आया था उनमें से छांट छूट के आम सभा जो बैठता है पंचायत में उनमें से हम लोगों को नहीं बुलाया और मुखिया संजय पर्यवेक्षक और सहायक तीनों लोग मिल के नाम को छांट के जो उसका वोटियर था उन लोगों का नाम है जो उसका विपक्ष था उसका नाम हटा दिया है। 1097 में से 437 ओनली पास हुआ है। हम लोगों को संजय मुखिया जी से बोले कि उसका हमको सूची दीजिए, बोले आप लोगों को सूची नहीं मिलेगा, आप लोग इंदिरा आवास का काम नहीं कर पाओगे, इंदिरा आवास का काम हम खुद करेंगे। हाँ उसके बाद जब हम लोग सूची के लिए ब्लॉक दौड़े कंटिन्यू 2 से 3 महीना दौड़ते रह गए ब्लॉक, इंदिरा आवास जो पर्यवेक्षक है गोपाल चौधरी उससे भी बोले, सहायक से भी बोले और BDO साहब से भी शिकायत किए कि सूची हम लोगों को दिया जाए उसमें भी हम अपना वार्ड का जो पब्लिक का नाम आया है कि नहीं है। लेकिन वहाँ पे बहाना लगा दिया कि सूची नहीं है, मुखिया को दे दिए, मुखिया को मानते थे मुखिया देता ही नहीं था। उसके बाद हम लोग बहुत देर के बाद फिर विधायक जी के पास हनुमान आलम के पास गए, वहाँ सारी अपना जो समस्या थी उनको बोले तो उसके बाद वहीं हम लोगों के सामने ही मतलब BDO साहब से बात की कि मालगा पंचायत का जो भी सूची आया हुआ है इन लोगों को दे दीजिए, परेशान काहे ले कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से BDO साहब उनको वो सूची उपलब्ध करवाए तो उसमें 437 जो लाभुक का नाम देखे। उसके बाद जब हम लोग घर आए तो वहाँ पे हर एक लाभुक हम लोगों के घर में जाके बोलता था कि हम लोग इंदिरा आवास पिछले ही टर्म में पास किया हुआ था, अभी नया वाला मिल रहा है, हम लोगों का नाम क्या हो गया? तो बोले हम लोग बोले पब्लिक को समझाया कि देखो ऐसी ऐसी बात हो गया, नाम तुम लोगों को काट दिया गया तो पूर्व में तुम लोगों को मिल चुका है कि नहीं? नहीं मिला हम लोगों को, उनसे पूछे बोला नहीं मिला। उसके बाद तो फिर BDO साहब के पास गए, बोला कि आप लोग आवेदन लिख के दीजिए। हमने BDO साहब से भी सवाल किया था ये नाम कैसे छटा, BDO साहब से बोले ये नाम कैसे छटा, तो वो बोला कि संजय मुखिया वो अपना आम सभा बैठा के उसमें पारित किया जितना मतलब मिल चुका है 560 आदमी को उसको हटा दिया, जो 437 लाभुक को नहीं मिला है उसको मिलना है। आम सभा हुआ था क्या? आम सभा हम लोगों को मालूम नहीं है, वो गुप्त रूप से आम सभा में तो मेंबर लोगों को भी बुलाया जाता है ना? नहीं हम लोग नहीं बुलाया है, हम लोगों कोई मेंबर नहीं गया था, पूछा ही नहीं था। उसके बाद हम BDO साहब बोले कि आप लोग आवेदन मौखिक तो कोई काम होता नहीं है, आप लोग लिखित दीजिए। तो आवेदन बनाए एक विधायक को जी दिए और BDO साहब को दिए, एक DDC को दिए, तो 25/4/2022 को दिए थे। अभी तो उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, डेली बाई डेली हम BDO साहब से खुद बात करते हैं कि इसका मतलब गाँव में आके वार्ड में आके उसका मतलब सर्वेक्षण किया जाए, जाँच किया जाए कि हकीकत में उसको मिला है क्या, अगर मिला है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं मिला तो उसका मतलब प्रूफ दीजिए, उसको दीजिए लाभ। बस हम प्रखंड पदाधिकारी से और जिला पदाधिकारी से यही अनुरोध कर रहे हैं कि जिन लोगों का नाम कटा है उन लोगों को नाम जोड़ा जाए, गरीब है, कमज़ोर है, लाचार है, बहुत बुरी खास यही है यहाँ पे, उसको लाभ दिया जाए। और से बस पदाधिकारी से हम इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं पंचायत में जो भी काम अभी हो रहा है उसको तत्काल के लिए रोका जाए। ग्राम पंचायत आज महलगाँव वार्ड नंबर 10, मैं रंजीत कुमार विश्वास, पिता महादेव लाल विश्वास, मेंबर हम वार्ड सदस्य हूँ, दोबारा बना हूँ। तो मैं कहने के लिए ये चाहता हूँ कि दिनेश कुमार के रीजन में जो इंदिरा आवास पास हुआ था 1097 और ये संजय मुखिया को क्या वो संजीश है न है दुश्मनी, और छांट करके ये 437 का लक्ष्य लाया गया, उसका कहना है कि हमको जो वोट दिया है उसी को आवास दिलाएंगे, जो नहीं दिया है उसको आवास नहीं देंगे। मौसमात से भी अभी पूछ लीजिए, जो कि मौसमात है सुलोचनी देवी और बिजली देवी और सब आदमी है जिसका कि नाम छंट गया है, वो क्या चाहता नहीं चाहता, हम यही प्रखंड विकास पदाधिकारी से चाहते हैं, दरखास्त दिए हैं, अभी तक रिएक्शन काहे नहीं लिया है, इसके लिए जल्द से जल्द वो रिएक्शन ले और जाँच करे और जो जाँच में पाया जाएगा उसको सजा दे और जो दोषी है और जो आवास में 1097 है उसको जोड़ा जाए, तभी इसका आगे लक्ष्य दिया जाए और काम हो उस पर। समस्या ये है, मेरा नाम वीरेंद्र ऋषिदेव, मेरा वाइब है वार्ड सदस्य, मैं वार्ड नंबर 8 में, हाँ मेरा समस्या ये है कि 1095 में ये नाम था
उसमें 437 में मेरा वार्ड का एक भी नाम नहीं, मेरा वार्ड का आदमी का नाम नहीं है, सब उड़ा दिया गया है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार से कहना है, वीडियो से कहना है और किसी से कहना है कि मेरा ये आवाज आना चाहिए।